बीजेपी अपना बाहरी ताकत दिखाना चाह रही है। बाहरी ताकत में है कि हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज बदल दिया गया, नामकरण दीनदयाल उपाध्याय रखा गया, कैलाश प्रसाद मिश्र रखा जा रहा है। मतलब ये क्या यहाँ स्थापित करना चाह रही है? यहाँ के झारखंडी, यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी, जो बिरसा मुंडा जमाना के, सिद्धू कानू जमाना के गया मुंडा है, इस सबको कहाँ कौन सा चौक चौराहा में स्थापित किए हैं? ये भाजपा का पहले से भी चल रहा है कि ये जो आदिवासी लोग हैं ये हिंदू हो गए, विभिन्न समय में विभिन्न तरह के टेस्ट ले रहे हैं कि यहाँ के लोगों को कैसे क्या ये लोग का क्षमता है नहीं है, कैसे हम घुसे नहीं घुसे, इसे सवाल के लेकर के उसको लगाए हैं लोग, हमको लगता है क्या कि उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। प्रयोग प्रयोग कर रहे हैं कि कैसे, जैसे अभी तक लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं, हम इसका विरोध करेंगे। कैलाश पति मिश्रा झारखंड अलग राज्य का विरोधी था, जिस समय कैलाश झारखंड अलग राज्य का मूवमेंट चल रहा था तो ये लोग पृथकतावादी, वो अलगाववादी और उग्रवादी कहते थे झारखंड अलग राज्य के लड़ाकू साथियों को, आंदोलनकारियों को। उसमें अडवाणी जी भी थे, लाल कृष्ण अडवाणी और ये लोग थे। उसी समय झारखंड में के लोगों ने अलग राज्य के मुद्दे पे संपूर्ण क्रांति दल बनाने का काम किया था, जिसमें समरेश दा थे। और समरेश दा के बारे में मैं बता दूं कि समरेश दा का ही देन है कि आज कमल फूल झारखंडियों के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी का सिंबल बना हुआ है, ये झारखंड की देन है। इन लोगों को पता नहीं, हमारे लोगों को ये हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। यहाँ दुती पहान हो और दुखा भगत है ललित उराव जी, ये झारखंड के आंदोलनकारी जानना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह पूरी तरह से झारखंड की जो सांस्कृतिक जो विरासत है, हमारी पहचान और परंपरा है, इस पर एक अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है और हम इसका एकदम सख्ती से विरोध करते हैं। जिसको सम्मान मिलना चाहिए उनको ही ना मिलेगा, या देना चाहिए, या वो सम्मानित होंगे, या फिर उनकी मूर्ति लग जाने से हम लोग सम्मानित होंगे, हम लोग देख के खुश होंगे, या हमारे समाज ये देख के जानेंगे कि हाँ ये हमारे आंदोलनकारी थे, उसे मोटिवेट होंगे। लेकिन अगर अलग कोई अगर मूर्ति लग जाती है तो फिर उसे हमारे समाज, ये देश, हम लोग कैसे जाने, झारखंड कैसे जानेगा कि ये जो है हमारे आंदोलनकारी रहे थे। कि मूर्ति से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो बाहरी लोगों को यहाँ थोपने का जो संजय सेठ काम कर रहा है वो हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ भी भाजपा के बहुत से सम्मानित कार्यकर्ता हैं, जैसे दुखा भगत, जिन्होंने बनांचल राज हुआ करता था उस समय का वो अध्यक्ष थे, बिहार और झारखंड एक में थे, संयुक्त बिहार में बनांचल एक राज हुआ करता था, दुखा भगत, उनका आप मूर्ति लगाइए, आप ललित उराव का लगाइए, समरेश सिंह का लगाइए, हम लोग उनके मान सम्मान के साथ, हम लोग गाजा बाजा के साथ जाएंगे। लेकिन आप बाहरी लोगों को यहाँ थोपने का जो काम कर रहे हैं इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने राज्य के लिए, देश के लिए अपना बलिदान दिया, आप उसकी मूर्ति नहीं लगाने दे रहे हो, ये कैलाशपति मिश्र की मूर्ति यहाँ पर कैसे लगेगी? इन्होंने क्या योगदान दिया, जबकि इन्होंने तो उल्टा विरोध किया था अलग राज्य के लिए। झारखंड के अंदर सिर्फ जमीन का अतिक्रमण नहीं हुआ है, सिर्फ सांस्कृतिक अतिक्रमण नहीं हुआ है, बल्कि मूर्ति लगाने पर भी अतिक्रमण हुआ है। झारखंड अलग राज्य आंदोलन से पहले जब भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तब झारखंड के कई पुरोधा संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, शहीदी दे रहे थे। और झारखंड अलग राज्य में कितने शहीद हुए, कितने संघर्ष किए, वो आप जानते हैं। अभी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सूचना देना चाहते हैं कि जब आप रांची आएंगे और रांची से धुरवा की तरफ जाएंगे तो रास्ते में एक मूर्ति दिखाई पड़ेगी जो पूरा ढका हुआ है। मूर्ति कैलाशपति मिश्र की है, जिन्होंने झारखंड अलग राज्य आंदोलन का विरोध किया था, झारखंड अलग राज्य का विरोध किया था। उनकी मूर्ति आखिर झारखंड में कौन लगा रहा है? आपके घर का कोई विरोधी है और आपके घर के अंदर उसकी मूर्ति जब कभी लग नहीं सकती है तो फिर झारखंड के विरोधियों की मूर्ति झारखंड के अंदर क्यों लगेगी? अब उसका सामाजिक विरोध भी हो रहा है, कई सामाजिक लोग हैं जो उस मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। अभी हम यहाँ जो लोग आपको तस्वीरों पर दिख रहे हैं वो झारखंड आंदोलनकारी लोग हैं, इन्होंने एक बैठक की है, इससे पहले भी मूर्ति का विरोध किया और एक बैठक की है, आगे की क्या तैयारी है, मूर्ति के विरोध में क्यों है, और थोड़ा बहुत कैलाशपति मिश्र के कारनामों को भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एक परिचय दे देते हैं, भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष 10 साल थे और शायद किसी राज्य के वो राज्यपाल लंबे समय तक रहे। अगर मूर्ति लगाने का आधार इतना ही सा है तो बहुत ऐसे लोग हैं जो लंबे समय तक झारखंड में भी राज्यपाल रहे हैं और अब नहीं है, तो उनकी मूर्ति कई जगहों पर लगनी चाहिए। बहरहाल आगे बात करते हैं, भुवनेश्वर दा हम लोग के साथ।
मूर्ति लगाने का विरोध क्यों? देखिए, मूर्ति लगाने का जो विरोध झारखंड आंदोलनकारी लोग कर रहे हैं, तो इसके पीछे जो संदर्भ जुड़ा हुआ है, आप देखिए तो झारखंड कोई आम राज्यों की तरह वो राज्य नहीं है, एक विशिष्ट राज्य है। अगर आज़ादी का आंदोलन अगर 100 वर्षों तक चला तो 70 सालों का इतिहास अलग राज्य के आंदोलन का भी है, और अलग राज्य का जो संदर्भ है उसके पीछे जो मुख्य बात है कि यहाँ आदिवासी बहुल राज्य है, बहुत सारे ऐसे यहाँ प्राकृतिक संपदाओं से भरा पूरा है, खास एक विशिष्टता लिया हुआ राज्य है, तो इन विशिष्टताओं को ख़त्म करने की पूरी तैयारी चल रही है। पहले तो जंगल झाड़ मिनरल्स पे हमला किया गया, अब हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, ये तमाम चीज़ों को अपने गिरफ्त में कर लेने की एक बड़ी साजिश चल रही है, और उस साजिश का मुखालपत हो रहा है। हम लोग खास करके देखिए तो कैलाशपति मिश्रा जी के मूर्ति लगाने से जो विरोध का जो सवर सुनाई पड़ा है, तो आप देखिए तो कैलाशपति मिश्रा जी भाजपा के, झारखंड के भी नहीं, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार के 10 सालों तक रहे हैं, वो राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, गुजरात के राज्यपाल रहे हैं, आप पूरे गुजरात घूम लीजिए, पूरे राजस्थान घूम लीजिए, तो आपको कहीं भी कैलाशपति मिश्रा जी का यानी मूर्ति कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। जहाँ उनका जन्मस्थली है, जहाँ के वो थे, जहाँ वो पैदा लिए, वो बिहार के अंदर में भी पटना हो या उनका गांव जो विक्रमगंज जो जिला है वहाँ पर भी जाइए तो कहीं उसकी मूर्ति नहीं मिलेगी। हम ये कह रहे हैं उन लोगों से भी, एक मेरा बड़ा सवाल है कि आप वहाँ न लगा करके, वहाँ भी आपकी संस्था है, वहाँ भी आपके लोग हैं, आप क्यों नहीं कैलाशपति मिश्रा जी को उन राज्यों में भी आप जो है ना सम्मान देते, लेकिन आप उन राज्यों में सम्मान न दे करके आप इस तरह से यहाँ पर आप चोरी छिपे। आप 2018 की बात शिलापट में लिखा हुआ है कि 2018 में वो जो है वो मूर्ति लगाई गई है, आज 2023 हो गया है, अभी भी अनावरण नहीं हुआ है, अभी भी निर्माण करने का काम चल रहा है, जिसको हम लोगों ने विरोध किया तब बंद किया गया है। हम कह रहे हैं कि इतने बड़े सम्मानित महापुरुष का मूर्ति इतना चोरी छिपे और इतने तथ्यों को छुपा करके ये करने का जो रहस्य है, ये झारखंड के आंदोलनकारी जानना चाहते हैं, और मैं आपको बता दूं कि यह पूरी तरह से झारखंड की जो सांस्कृतिक जो विरासत है, हमारी पहचान और परंपरा है, इस पर एक अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है, और हम इसका एकदम सख्ती से विरोध करते हैं। और आज जो ये हमारे जो जगन्नाथपुर के पहान हैं, तांबा जी, क्या नाम हुआ, आनंद तांबा जी है, ये हमारे विकी पहान जी हैं, ये सब पहान उसी इलाके के हैं, वो जगन्नाथपुर के पहान हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर मूर्ति लगाना हो तो झारखंड के आंदोलन में जिनकी भूमिका रही है आप उसकी मूर्ति लगाए। यहाँ दुखा भगत हो गए, ललितू राम हो गए, ऐसे बहुत सारे दूती पहान हो गए, अगर उन संगठनों को अपने ही लोगों को लगाना है, समरेश सिंह हो गए जो लड़े हैं, हम आदिवासी की सिर्फ बात नहीं करते हैं, झारखंड के लिए लड़ने वाले मिटने वाले लोग हैं, जगन्नाथ महतो जी जो माननीय शिक्षा मंत्री भी झारखंड के रहे हैं, जो हाल ही में उनका निधन हुआ है, उनको लगाइए। हम लोग पूरी तरह से जा करके और आपके कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके समारोह के कार्यक्रम का हिस्सेदार बनेंगे, लेकिन ये तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके वो हमारे माथे पे बोझा लादने का काम करेंगे, तो बहुत दिनों तक बोझा ढोए हैं, अब बोझा ढोने का जो है ताकत हम लोगों के पास नहीं है, धैर्य हम लोगों का जवाब देगा। झारखंड के अंदर में एक बड़ा उफान पैदा होगा, अक्टूबर महीने में हम लोग एक बड़ा आंदोलन की दिशा में बढ़ रहे हैं, ये कैलाशपति मिश्रा जी का ही नहीं, झारखंड के किसी भी जिले में जो झारखंड राज्य की विशिष्टता को ख़त्म करेगा हम उसकी खिलाफत करेंगे, और झारखंड की पारंपरिक जो सांस्कृतिक जो पहचान है वो जिंदा रहे, इसकी लड़ाई को हम लोग मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। अमरदम, मूर्ति लगाने से क्या दिक्कत है? देखिए, मूर्ति का जो आइडेंटिटी है ये झारखंड के लिए बहुत विशेष पहचान है, और मूर्ति कभी भी अगर शहीदों का लगाया जाए तो इसमें कहीं दो राय नहीं है, या फिर जो स्ट्रगल किया झारखंड के लिए चाहे देश के लिए किया उसमें हम लोग को दो राय नहीं है। जैसे भुवनेश्वर दा अभी कहें कि आप सबरेश सिंह का लगाइए या फिर किसी जो झारखंड के लिए लड़े हैं उसका आप लगाए, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर किया जाए कि अगर कोई भी राज्यपाल बना है या फिर जो भाजपा का 10 साल अध्यक्ष रहा है उस हैसियत से अगर लगाया जा रहा है तो बिल्कुल गलत बात है। अगर राज्यपाल का ही लगाया जाए, पूर्व राज्यपाल पर ही लगाया जाए, तो हर एक ऐसा समय आएगा कि जहाँ पर गली गली कोचा कोचा में राज्यपाल का मूर्ति लगेगा। तो दूसरी बात यहाँ पर है कि हम लोग का जो
विशिष्टता का बात किया गया, उसको भी ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। आज झारखंड के भूमि में हर जगह भी बहुत आपको सिवान चौक मिल जाएंगे, गोपालगंज मिल जाएंगे, तो इस टाइप से एक अतिक्रमण होने का एक छोटा सा परंपरा चला हुआ है। तो इस परंपरा को अगर हम लोग अभी नहीं रोकेंगे तो झारखंड के लिए जो भी आंदोलन किए हैं उनका व्यर्थ है। तो पहला हम लोग का जो आइडेंटिटी होता है रोकना, तो हम लोग एक पहल कर रहे हैं। हम लोग एक महीना का अल्टीमेटम देंगे, हमारा जो भी SDO है, DC है, उसे भी हम लोग मिलने का प्रयास करेंगे कि किस हैसियत से इस चौक का नामांकन हुआ या फिर मूर्ति लगा, ऐसा क्या है। वैसा अगर है तो हम लोग गली गली में अपना मूर्ति का, जो भी शहीदों का, लगाना चालू कर देंगे। और हमारे भी जो भी जगन्नाथपुर के पहान सब हैं, मैडम सब हैं, जो भी बड़े भाई सब हैं, सभी लोग हम लोग मिलकर विरोध कर रहे हैं कि किसी भी तरीका से आप कीजिए तो प्रोटोकॉल में आइए, कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं है, चोरी छिपे मूर्ति लगाइएगा, नामांकन कीजिएगा, जिससे हम लोग को दुख है और आगे भी होता रहेगा। क्या कहेंगे दादा? दादा ये हम कह रहे हैं कि जो झारखंड में ये एक तरह का टेस्ट कर रहे हैं कि कभी जब रघुवर सरकार थे तो उन्होंने भूमि बैंक बनाया था विभिन्न तरह का, और इसके बाद TAC में, जबकि झारखंड में TAC का अध्यक्ष होते हैं आदिवासी, लेकिन वह रघुवर दास थे। तो विभिन्न तरह का टेस्ट कर रहे ले रहे लोग कि हम झारखंड में कैसे हमारा दबदबा बने, इसके लिए वो किए हैं। कौन टेस्ट कर रहे हैं? भाजपा कर रहे हैं, और भाजपा का जो लगाए हैं तो वही टेस्ट कर रहे हैं ना कि झारखंड में कैसे हम घुसे और अपना दबदबा बना के रखे, इसीलिए वो लगाए हैं। और हमेशा भाजपा तो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको चुनाव लड़ना है, घुसना है, भाजपा कर रही है, बाहर से आए लोग कर रहे हैं? नहीं, ये तो भाई ये जो बाप ही बोले ना कि जो रघुवर सरकार तो भाजपा के थे, उन्होंने कानून लाया कि भूमि बैंक बनाएंगे, और तो ये भाजपा का पहले से भी चल रहा है कि ये जो आदिवासी लोग हैं ये हिंदू हो गए, विभिन्न समय में विभिन्न तरह के टेस्ट ले रहे हैं कि यहाँ के लोगों को कैसे क्या ये लोग का क्षमता है नहीं है, कैसे हम घुसे नहीं घुसे, इसी सवाल के लेकर के उसको लगाए हैं लोग, हमको लगता है क्या कि उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। प्रयोग कर रहे हैं कि कैसे, जैसे अभी तक लेकिन आप लोग विरोध कर रहे हैं। हम इसका विरोध करेंगे, हम लोग सब विरोध कर रहे हैं, और यहाँ तक हम लोग के झारखंड आंदोलन कार्य के साथ साथ सामाजिक संगठन भी इसका समर्थन कर रहे हैं। रंजीत दा है, क्या दिक्कत है? मूर्ति लगा कई लोगों का मूर्ति लगा है। देखिए, मूर्ति से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जो बाहरी लोगों को यहाँ थोपने का जो संजय सेठ काम कर रहा है वो हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ भी भाजपा के बहुत से सम्मानित कार्यकर्ता हैं, जैसे दुखा भगत, जिन्होंने वनांचल राज हुआ करता था उस समय का वो अध्यक्ष थे, बिहार और झारखंड एक में थे, संयुक्त बिहार में वनांचल एक राज हुआ करता था, दुखा भगत, उनका आप मूर्ति लगाइए, आप ललितू राव का लगाइए, समरेश सिंह का लगाइए, हम लोग उनके मान सम्मान के साथ, हम लोग गाजा बाजा के साथ जाएंगे। लेकिन आप बाहरी लोगों को यहाँ थोपने का जो काम कर रहे हैं इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। आप पहान हैं उस इलाके के जी, तो आप लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, आपके इलाके मूर्ति लग रही है? जी, हमारे लोग, हमारा पूरा गाँव इसका विरोध कर रहा है, चूँकि अभी यहाँ पर लोग आपको इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अभी ये बड़ा रूप लिया नहीं है। हमारा यही कहना है कि जैसा बड़े भाई इन्होंने बताया कि इससे पहले भी जब हमारे झारखंडी लोगों का यहाँ पे मूर्ति लगाने का कोशिश किया गया था, वहाँ पे उच्च न्यायालय निर्देश देता है कि यहाँ पे आप मूर्ति स्थापित नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने योगदान दिया उसका मूर्ति नहीं लग सकता है। उसी चौक पे या किसी भी चौक पे, वहाँ से निर्देश ऐसा आया था कि आप मूर्ति नहीं लगा सकते हैं। तो जो जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने राज्य के लिए, देश के लिए अपना बलिदान दिया, आप उसकी मूर्ति नहीं लगाने दे रहे हो, ये कैलाशपति मिश्र की मूर्ति यहाँ पर कैसे लगेगी? इन्होंने क्या योगदान दिया, जबकि इन्होंने तो उल्टा विरोध किया था अलग राज्य के लिए। तो आप लोग भी विरोध करेंगे? जी, हम और हमारा पूरा संगठन इसके विरोध में है। दादा, कई ऐसे लोग हैं जिनकी मूर्ति राजधानी के अंदर है और झारखंड में कई जगह पर है। दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति है, उनका भी कोई योगदान झारखंड के लिए नहीं रहा, और ऐसे कई नाम हैं जिनकी मूर्तियां हैं जिनका योगदान झारखंड के लिए नहीं रहा, तो कैलाशपति मिश्र से फिर आपको क्यों आपत्ति है? यही विडम्बना है कि जिस समय ये लोग का सरकार था तो उस समय वो लोग किए, और हम लोगों ने देखा कि कहते हैं ना कि दिस इज़ टू मच, मतलब दोना देख के ये लोग पूरा कोना को हड़पने का कोशिश कर रहा है, उसी दिशा में एक पहल किया है ये लोग कि एक यहाँ कुछ नहीं हुआ, चलो वहाँ करेंगे, और वहाँ का भी स्थान को
कवर करके हम लोग बिरसा मुंडा का जो प्रतिमा है उसको ढकने का काम करेंगे और मुख्य चौराहा पे कब्जा करेंगे। और सीना तान के जब ये लोग काम करने लगे, कोर्ट का अवमानना करने लगे, तो मजबूरन में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा को सड़क पे उतर कर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। और दुर्भाग्य ये हो गया कि रांची के सांसद बोलते हैं संजय सेठ जी कि असामाजिक तत्व के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया है, उन पर पुलिस कार्रवाई करे। तो संजय सेठ को ये जानकारी होना चाहिए कि पुष्कर मातो टाई कोट के साथ में था, कोई सामाजिक असामाजिक तत्व नहीं है। तो मेरे साथ में भुवनेश्वर जी थे और सारे साथ ये कपड़ा लगाए हुए हैं, पड़िया वाला टावेल है, ये तौलिया है। तो क्या ये कपड़ा और ये पहना हुआ आदमी असामाजिक हो सकता है? कदापि नहीं साथी। जो आदमी, जो सांसद संजय सेठ ने अगर ऐसा बोलने का काम किया है तो अपने शब्द को वापस ले और झारखंड की जनता से माफ़ी मांगने का काम करे। तो संजय सेठ जी, आपको असामाजिक क्या होता है भुगतने के लिए परिणाम तैयार रहिएगा। असामाजिक आपका रांची की जनता नहीं हो सकती है। रांची की जनता, मैं रांची का नागरिक हूँ, रांची के नागरिक कभी असामाजिक नहीं हो सकते हैं। रांची की जनता या झारखंड की जनता, प्रेम कहते हैं कि झारखंड की संस्कृति पांच फुलक बाग, सेवा समता सादगी स्वलंबन अनुराग, इसके हम लोग प्रेमी हैं, इसके ही तैसी हैं, इसके हितकर है। लेकिन हमने जो सम्मान दिया है आपको, तो सम्मान दिए हैं आप माननीय हैं, ऊपर सिर में चढ़ा दिए हैं, सिर में बैठा दिए, इसका मतलब आप टट्टी कर दीजिएगा संजय सेठ जी। तो टट्टी करने के लिए आपको रांची का सांसद नहीं बनाए हैं। सांसद जी आपसे सवाल करते हैं, आप उपयोगिता प्रमाण पत्र दीजिए, आपने आपको जिम्मेवारी मिला है आदर्श ग्राम का, क्या आदर्श ग्राम बनाए हैं आप बताइए, कहां पर आदर्श ग्राम बनाया है? आदर्श ग्राम का में क्या आप शिक्षा का क्या व्यवस्था है बताइए, बालिका के लिए आपने कौन सा आदर्श विद्यालय बनाया है, बॉयज के लिए आपने कौन सा आदर्श विद्यालय बनाया है, इरीगेशन के लिए आपने क्या काम किया है, आपने लिफ्ट इरीगेशन के लिए क्या काम किया है, एग्रीकल्चर के लिए क्या काम किया है, कौन सा आदर्श काम किया है आप लोगों, आपने बताइए सांसद जी। आप रांची में कोयरी तेली के लिए सोशल डेवलपमेंट के लिए आपने कौन सा काम किया है, चुटिया में डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया है, रातू में क्या काम किया है, नगड़ी में क्या काम किया है, पंच परगना क्षेत्र में क्या काम किया है, अब बताइए। रांची के सांसद है आप, जिस झारखंड आंदोलनकारियों को आप बात करते हैं, उस आंदोलनकारी आपसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगता है, आपसे मांग करता है कि आप अगर सामाजिक हैं तो सामाजिक होने का प्रमाण पत्र दीजिए, राज्य की जनता को दीजिए, रांची की जनता को दीजिए। और जिस चुनौती के साथ आपने कैलाशपति मिश्रा के प्रति आपने कृतज्ञता जाहिर की है, तो आप अपने घर में लगाने का काम कीजिए कि कैलाशपति मिश्रा का आप अपने घर में लगाइए, अपने पार्टी कार्यालय में लगाइए, अपने सांसद कार्यालय में लगाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सार्वजनिक स्थल पर लगाइएगा तो बहुत ही दुखद और एक स्थिति पैदा होगी जिसके लिए आप जिम्मेवार होंगे माननीय सांसद जी। काहे आपत्ति है कैलाशपति मिश्रा के मूर्ति से, ऐसा का कर दिया था आदमी? कैलाशपति मिश्रा के बारे में तीर्थनाथ जी आपको जानना चाहिए कि कैलाशपति मिश्रा झारखंड अलग राज्य का विरोधी था। जिस समय कैलाश झारखंड अलग राज्य का मूवमेंट चल रहा था, ये लोग पृथकतावादी, वो अलगाववादी और उग्रवादी कहते थे झारखंड अलग राज्य के लड़ाकू साथियों को, आंदोलनकारियों को। उसमें अडवाणी जी भी थे, लाल कृष्ण अडवाणी, और ये लोग थे। उसी समय झारखंड में के लोगों ने अलग राज्य के मुद्दे पे संपूर्ण क्रांति दल बनाने का काम किया था, जिसमें समरेश दा थे। और समरेश दा के बारे में मैं बता दूं कि समरेश दा का ही देन है कि आज कमल फूल झारखंडियों के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी का सिंबल बना हुआ है, ये झारखंड की देन है। इन लोगों को पता नहीं, हमारे लोगों को ये हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। यहाँ दूती पहान हो और दुखा भगत है, ललित उराव जी, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग राज्य के मुद्दे पे लड़ाई लड़के उनको मंजिल में पहुँचाने का काम किया। उसकी मूर्ति स्थापित करो यार, ना कि जो झारखंड विरोधी रहा है, जिनको झारखंड से सरोकार नहीं रहा है, वैसे लोगों का प्रतिमा लगाया जाना। हम लोग अंतिम मरते दम तक विरोध करेंगे। धन्यवाद। आप भी पहान है दादा उसी जी, आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ, हम लोग विरोध कर रहे हैं। मुझे किसी चीज़ इनकी मानसिकता समझ में नहीं आ रही है, हमारे सांसद जी की। एक तरफ तो ये यूपी में जाके बोलते हैं कि हम जो उनको वहाँ जो नामकरण जो हो रहा है, पुराने जो मुगल कालीन जो नाम थे चौक चौराहे, उनको हटा के वे अपना प्राचीन इतिहास दिखाना चाह रहे हैं। तो क्या वे झारखंड का इतिहास भूल गए हैं क्या? क्या यहाँ पे उनको कोई शहादत दिया ही नहीं क्या? झारखंड बलिदानों का बलिदान देने के बाद ये अलग हुआ है क्या? ये चीज़ भूल गए कैसे वो? जब झारखंड की बात आती है, बिरसा भगवान का नाम सबसे पहले आता है, तो क्या उनको क्या इतना तुच्छ समझ रही है? दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे ये यूनिवर्सिटी का नाम डाल देते हैं क्या? यहाँ झारखंड में कोई शहीद है ही नहीं है
ये चीज़ इनको समझ में नहीं आता है क्या? बार बार ये एक ही चीज़ को दोहराते रहते हैं। ये भी अगर बीजेपी का अगर ये मोटिव है कि अगर हम ही सब जगह छाए रहेंगे तो फिर ये गलत धारणा है। जहाँ एक तरफ आप सबको बोलते हैं देश में अखंडता लाएंगे और वहाँ के ये आप महापुरुषों को अनदेखा करते हैं, तो ऐसे में अखंडता नहीं आने वाली है। महिलाएं भी हैं विरोध में? हाँ, सभी समाज के लोग विरोध में हैं। इसलिए विरोध में है कि बीजेपी के जो कैलाश मिश्र हैं उनका जो मूर्ति स्थापित किया गया है, तो इसी तरह से हमारा जो यहाँ आदिवासी मूलवासी समाज जो बहुत ही सुंदर ढंग से एक साथ बैठ के सारे लोग यहाँ कार्य करते हैं, वहाँ पर देखा जा रहा है कि आज किसी से कोई वास्ता नहीं रखा जा रहा है। आज है कि बीजेपी अपना बाहरी ताकत दिखाना चाह रही है। बाहरी ताकत में है कि हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज बदल दिया गया, नामकरण दीनदयाल उपाध्याय रखा गया, कैलाश प्रसाद मिश्र रखा जा रहा है। मतलब ये क्या यहाँ स्थापित करना चाह रही है? यहाँ के झारखंडी, यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी, जो बिरसा मुंडा जमाना के, सिद्धू कानू जमाना के, गया मुंडा है, इस सबको कहाँ कौन सा चौक चौराहा में स्थापित किए हैं? मैं इसका खुद पूरा पूर्ण जोर से विरोध करती हूँ। जब तक वो मूर्ति अपने यहाँ से नहीं हटेगा तब तक उसका पूर्ण विरोध रहेगा। मूर्ति लग जाने से क्या ही दिक्कत है, काहे विरोध कर रहे? मूर्ति लग जाने से हम झारखंड वासियों को जहाँ जिसका जिसको सम्मान मिलना चाहिए उनको ही ना मिलेगा, या देना चाहिए, या वो सम्मानित होंगे, या फिर उनकी मूर्ति लग जाने से हम लोग सम्मानित होंगे, हम लोग देख के खुश होंगे, या हमारे समाज ये देख के जानेंगे कि हाँ ये हमारे आंदोलनकारी थे, उसे मोटिवेट होंगे। लेकिन अगर अलग कोई अगर मूर्ति लग जाती है तो फिर उसे हमारे समाज, ये देश, हम लोग कैसे जाने, झारखंड कैसे जानेगा कि ये जो है हमारे आंदोलनकारी रहे थे, इससे हम लोगों को आगे हम लोग को सीख मिलनी चाहिए। तो बस मैं इतने ही कहूँ। हाँ।